हेलो दोस्तों, आज हम आपको ढाबा स्टाइल सेव टमाटर बनाना सिखाएंगे। ढाबे पे कैसे स्वादिष्ट और टेस्टी सेव टमाटर बना जाता है, वैसे ही आप घर पे बड़ी आसानी से बना के खा सकते हो, वैसे ही टेस्ट आएगा सेम। तो चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक प्याज, एक टमाटर, दो हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप करके रखा है इस टाइप से, देखिए। और सेव ली हमने रतलामी लौंग सेव, हमेशा आपको रतलामी लौंग सेव ही लेना, इससे बढ़िया टेस्ट आता है। एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें आधा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल को अच्छा सा गर्म होने देंगे। ये देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो रहा है। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें ऐड किया जाएगा हमारा जीरा, इस टाइप से देखिए जीरा ऐड कर दिया है। और राई ऐड कर देंगे उसके बाद, और सभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ हम रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, जीरे और राई के साथ रेड चिल्ली पाउडर डाला है हमने डायरेक्ट, या हरी मिर्ची डाला है, उससे हमारे सब्जी में बहुत अच्छा कलर आता है और टेस्ट आता है। पहले राई जीरे के साथ रेड चिल्ली पाउडर डालने से, फिर प्याज ऐड कर देंगे इनके साथ, प्याज को ऐड कर देंगे अच्छे से। ये देखिए प्याज को अच्छे से फ्राई किया जा रहा है, सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। इस टाइप से हमारा मसाला अच्छे से फ्राई किया जा रहा है। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, वरना आपका मसाला जल जाएगा, इसलिए धीरे धीरे चलाते रहेंगे। उसके बाद हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, ऑयल छोड़ दिया। उसके बाद इसमें टमाटर ऐड करेंगे आखिरी में, ये हमने आखिरी में टमाटर का यूज़ किया गया है इसमें। टमाटर हमेशा आपको आखिरी में ही डालना है, टमाटर जल्दी पक जाता है, इसलिए टमाटर को आखिरी में यूज़ किया जाता है। इन बातों का आप ध्यान रखिए, इनसे आपकी सब्ज़ी में अच्छा टेस्ट आता है और टेस्टी बनती है। यही देखिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर और डालेंगे इसमें, रेड चिल्ली पाउडर हमने पहले डाल चुके हैं, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप चाहो तो थोड़ा और रेड चिल्ली पाउडर इसमें बढ़ा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। इस टाइप से देखिए हमारा मसाले ने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है, इससे आप पता लगा सकते हो कि हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, बहुत ही टेस्टी बन चुका है। हमेशा मसाला आपका ऑयल छोड़ देगा पकने के बाद, अच्छे से फ्राई होने के बाद। ये देखिए बहुत ही अच्छा ऑयल, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसमें। इस टाइप से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से उबाल ले लेंगे हम, और उसके बाद इसमें ऐड किया जाएगा किचन किंग गरम मसाला, और चटपटा टेस्ट लाने के लिए हम इसमें मैजिक मसाला यूज़ कर रहे हैं, या आप मैगी मसाला भी डाल सकते हो। हमने पुष्प का मैजिक मसाला यूज़ किया है, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, और टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। रतलामी लौंग सेव का यूज़ करना है आपको, ये बात का विशेष ध्यान रखिए आप। ये देखिए इस टाइप से थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डालेंगे हम, और बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट सेव टमाटर की सब्ज़ी तैयार हुई हमारी। इसी टाइप से देखिए बनाइए आप, देसी स्टाइल में हमने आपको सेव टमाटर ढाबे जैसा स्वाद आप घर पे ला सकते हो, वैसे बनाया है, वैसी तरी आएगी आपकी सेव पे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट हमारा सेव टमाटर बनाइए। तो दोस्तों इसी टाइप से आप सेव टमाटर बनाइए, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगा आपके घर पर। रोज़ आप सेव टमाटर यही बना के खाओगे। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, रोज़ हमारे नए नए वीडियो देखिए। धन्यवाद।